सब्सक्राइब कीजिए अराइव 24 न्यूज को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुक्रवार से लेकर अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के मंडी में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्वस्थ है। भारी बारिश के कारण कांगड़ा और मंडी जिले में सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। उधर उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और 55 जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 28 अगस्त के बीच उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश के कुछ जिले, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 24 और 25 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि तेज बारिश और धुंध के कारण बुधवार देर रात हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा हो गया। कुल्लू के रहानी नाला के पास एक स्कॉर्पियो कार खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार सभी 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों में 3 पुरुष, 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो में सवार होकर लोग मनाली से पांगी जा रहे थे। उधर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बीते 2 दिन से हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन थम गया है। कई इलाकों में जलभराव की समस्या के कारण घरों में पानी भर गया है। स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि झांसी में गुरुवार को 6 घंटे 135 मिलीमीटर बारिश हुई। उन्होंने कहा कि दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों में जमकर बारिश होने का अनुमान है। पलावल के मुताबिक एटा, हाथरस, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़ और तुंडला में भारी बारिश हो सकती है। बात करें राजधानी दिल्ली और NCR की, तो यहां गुरुवार सुबह अच्छी खासी बारिश ने दिल्ली वासियों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई। शुक्रवार को हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना बना हुआ है। उधर राजस्थान के दौसा जिले में गुरुवार को भी भारी बारिश से जलभराव के कारण कुछ बच्चे फंस गए थे। दरअसल जिले के लालसोट उपखंड क्षेत्र में बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक मूसलाधार बारिश हुई। इलाके में हुई मूसलाधार बारिश के कारण गुरुवार सुबह कई इलाके जलमग्न हो गए। देर रात 12 बजे शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह 6 बजे तक चलती रही, जिस कारण से कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं पानी के भर जाने से एक स्कूल बस भी अंडरपास में फंस गई, जिसकी वजह से कई बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। उधर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे। जूनागढ़ में पिछले 48 घंटों से हो रही भारी बारिश के कारण प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पानी भर गया था। हालांकि भारी बारिश और जल भराव के बीच भी कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां जारी रहीं। इस रिपोर्ट में केवल इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरआई 24 न्यूज, पहचान सच्चाई की। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, हम आपको ऐसे ही तमाम खबरों की अपडेट्स देते रहेंगे।